हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स डिलाइट किचन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे मेवा पाक, और जिसमें हमने देखिए 6 प्रकार की मेवा ली है। गरी को लंबा काट के ले लिया है, और ये देखिए हमने लिया थोड़े से बादाम ले लिए हैं, गोंद ली है, और ये देखिए हमने थोड़े मखाने, छुआरा, और ये थोड़े बीजे ले लिए खरबूजे के। इन सबको फ्राई करेंगे, और इनको बीजों को देखिए लेने के लिए हमने एक कढ़ाई गर्म कर ली। कढ़ाई में बीजों को ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। इसको कोई घी नहीं डालेंगे हम। अगर आप चाहो तो घी में भी डाल के इसको रोस्ट कर सकते हैं, पर जब बिना घी के इतने बढ़िया रोस्ट हो रहे हैं। देखिए आप कैसे ये उछल रहे हैं, अब रोस्ट होने लगे। अब मुश्किल से 1 या 2 मिनट में ये सारे रोस्ट हो जाते हैं। इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये अपने आप देखिए आप कैसे चिटक रहे हैं, और बस ये रोस्ट हो रहे हैं। आसानी से हो जाते हैं बहुत, इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। अब बस सब ये रोस्ट हो जाएंगे, इनको हम किसी बर्तन में पलट लेंगे। ये देखिए, और अब इसी कढ़ाई को हम फिर चढ़ा देंगे। इसको गर्म है, और थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो जाए, फिर इसमें ये कढ़ाई जो हमारी गर्म है इसमें हम गोंद डालेंगे। जो गोंद है ना, इसको अगर डायरेक्ट हम लोग घी में फ्राई करेंगे तो ये उतना अच्छा नहीं बनता। पहले गर्म कढ़ाई में डाल के इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं ऐसे ही बिना घी के, तो ये बहुत ही अच्छा जब फूलता है तो ये बहुत ही अच्छा फूलता है घी में जब डाल के, और कम घी में भी हो जाता है। ये देखिए ये कितना अच्छा ऐसे ही देखिए आप फूलने लगा, अच्छे से गर्म हो गया। अब इसी कढ़ाई को हमने डाल चढ़ा के इसमें देखिए हमने 2 चम्मच भर के घी डाल दिए देसी, और इसमें देखिए ये हम डाल देंगे यही जो गोंद हमने अभी ड्राई रोस्ट किया उसको डाल दिया। और ये देखिए ये कितना अच्छे से फूलने लगा डालते ही आप देखिए, क्योंकि वो अंदर तक गर्म हो चुका है। और इसको हम मीडियम फ्लेम में करेंगे, बहुत तेज आँच में करेंगे तो बीज का हिस्सा जो है कच्चा रह जाएगा और ऊपर तो खूब हो जाएगा, और अगर धीमे में करेंगे तो घी पी जाएंगे और अच्छे से खो भी नहीं पाएंगे। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम में हम इसको करते हैं, और सब कितना एक एक दाना बिल्कुल बढ़िया से फूल गया है। और जब देखिए सब हो गया, इसको भी हम किसी उसी प्लेट में सब एक साथ निकालते जाते हैं। ये देखिए अब इतने में देखिए इतना घी बचा है, इसमें हम थोड़ी सी जो गरी लंबी काट के ली थी उसको डाल दी, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। गरी में भी मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, बस आधा मिनट में गरी हो गई। इसको लाल नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करने से ये होता है कि थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाता है। और ये देखिए हमने बादाम लिए थे, बादाम डाल दिए, बादाम भी चटकने लगे। ये देखिए हो गया अच्छे से सारे बादाम भी, इनको निकाल लेंगे, इनको भी निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में देखिए हमारी कढ़ाई में थोड़ा घी पड़ा हुआ है, इसी में छुआरे डाल देंगे। लंबे लंबे पीस में छुआरे काटे, छुआरे इनको खजूर भी बोलते हैं कुछ लोग। अच्छा, इनको देखिए बस बहुत जल्दी ये भी हो जाते हैं। ये देखिए इनको भी हमने निकाल लिया। अब इसी में थोड़ा घी और बढ़ा देंगे, बस 1 चम्मच करीबन। और जो मखाने हमने लिए हैं उन मखानों को इसमें हम डाल देंगे। इन मखानों को भी इस तरह से तलने के बाद जो है ये देखिए अच्छे से हो गए और खूब कड़े हो जाते हैं बहुत अच्छे से, और ये देखिए क्रिस्पी जब हो जाते हैं ना मखाने कितने आसानी से टूटने लगते हैं। और इन सबको भी हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर ये देखिए अच्छा थोड़े से मखानों को हम ये जो है मखानों को हल्का सा कूच लेंगे, मतलब थोड़ा सा दरदरा टाइप बना लेंगे, बहुत नहीं। अगर आप चाहो तो चाकू से काट लेते हैं, काट सकते हैं, 2 पीस कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ये जल्दी हो जाता है, बस आप क्योंकि ये क्रिस्पी हो ही चुके हैं, बस देखिए बहुत जल्दी हो गए। इसी तरह के सारे कर लिए। अब इसी तरह बादाम भी डाल देते हैं, इनको बस एक बादाम के लगभग 2 से 3 टुकड़े हो जाए, बस इतना ही कूटना है, बहुत बारीक नहीं करनी, दरदरा रह जाए। इसी तरह गोंद भी डालना है। गोंद में देखिए कितने अच्छे फूले थे कि बस 1-2 मार रहे हैं हम, और बहुत बढ़िया से ये बने हुए जा रहे हैं। और बस इसी तरह सारे गोंद भी कर लेंगे, सब एक बर्तन में सब एक साथ मिला लेते हैं। इन सबको देखिए अब हम मिला लेते हैं बढ़िया से। अब इनको मिला के रख दिया, अब हम पाक बनाते हैं। पाक के लिए इसी कढ़ाई को चला के अब 1 कटोरी पानी डाला, और बस 2 कटोरी शक्कर डाल देंगे अंदाज से, ताकि इतने में हो जाना चाहिए, मतलब हो जाएगा। और बस ये देखिए हम इसको चलाते हैं, ये हमारी चाशनी हो रही है, और देखिए इस जब तक और देखिए होने लगी। अब अच्छे से देखिए इसमें खोल आ गया, मुश्किल से 5-10 मिनट में चाशनी भी बन जाती है बहुत जल्दी से। और ये देखिए हमने कट इसको देखने के लिए कि ये हुई कि नहीं, अभी पाक हमारा अच्छा तैयार हुआ कि नहीं। अच्छा ऐसे करके जो हम तार बना के देखते हैं तो तार वाले में हाथ जलने लगता है, तो हम इस बार देखिए ये कटोरी में एक ये भी तरीका है, कटोरी में पानी ले लिया, उसमें देखिए हमने थोड़ा सा डाला, और देखिए ये चाशनी जो डाली गोलियों से बनने लगी। और बस आप समझ जाइए कि हमारा पाक के लिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है।
अब इसमें हम जितनी मेवा ली थी उन मिला के रखी है, इन सबको इसमें मिला देंगे और बहुत ही अच्छे से इनको हम मिलाएंगे सब, जिसमें सारी चीज़ों में चाशनी अच्छे से लग जाए और अब्जॉर्ब हो जाए। और इन सबको एक बड़े बर्तन में, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो बड़े बर्तन में हम पलट लेते हैं, ये देखिए। और इसमें हम, आपके पास व्हाइट पेपर हो, सफ़ेद वाली काली मिर्च वो डाल सकते हैं ऊपर से, नहीं तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। हमने ऊपर से देखिए काली मिर्च डाल दी एक चम्मच, इससे जो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है ना तो उसको ये बैलेंस करता है थोड़ा, और खाने में भी इसका टेस्ट और अच्छा लगने लगता है। और ये देखिए, ये हमारे मेवा पाक बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया। कान्हा जी को भोग लगाइए, और ये उनके भोग प्रसाद के लिए विशेष रूप से बनता है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया, आप भी बनाइए। हैप्पी जन्माष्टमी।